पंडित राधेश्याम जी की बेटी की शादी होगी उपाध्याय साहब के बेटे से ही होगी और उन दोनों की शादी हम करवाएंगे, वो भी बगैर दहेज के। देवी जी, शेर के दुम पे पांव रखने से पहले शेर के दांत गिन लेने चाहिए। बाद में ये मत कहिएगा कि हमने आपको समझाया नहीं। अरे समझ रही हैं आप? अरे देवी जी, अरे अरे हम आपके कितनी बार बोले कि हम आजादगंज में हैं, मगर ये कॉल आजादगंज से नहीं आया है, ये कहीं बाहर से आया है। कौन किया, कहां से किया, इतना छोटा सा काम आप कर नहीं सकते हो क्या? हमने आपको क्या सोचा था, क्या हो गया है? तूने कहा था ना हमसे, कमल नारायण, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने चकोर को मारा है। तूने आश्वासन दिया था ना, अब आ रही है वो छिपकली, चीख चीख कर सबको बता देगी, ढिंढोरा पीट कर बताएगी, यही यही कमल नारायण राजवंशी है जिसने हमारी हत्या करने की कोशिश की। क्या करेंगे? हमरे हिसाब से तो सब आपकी गलती, एक छोटा सा काम ठीक से नहीं कर सका तो। कितनी दफा आपने उस चकोर को मारने की कोशिश की, मगर हर दफा वो बच गई। अब हम इसे चकोर की किस्मत कहे या आप बहुत अनारी है ये कहे, अब हम जाइए अपना काम कीजिए, हम ये पता लगाएंगे कि हमारी प्यारी दीदी है कहाँ पर। तू हमारी टेंशन जानती है, ये देख आंखें देख लाल हो गई है, पूरी पूरी रात सोए नहीं है, रात भर वो छिपकली हमारी आंखों में तांडव करती रही है, देख देख चीख चीख कर हमसे कह रही है, अरे कमल नारायण राजवंशी आ रहे, ये कह रही है वो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, इसी का तो बंदोबस्त कर रहे थे ना, पता लगा रहे हम कि फोन कहाँ से आया, किसके फोन से आया, बस पता लगा रहे। अरे ये हमारे दाहिने हाथ का काम है। तो अभी देखो काम आप काहे नहीं किए, चकोर के डर से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? औकात में रहे, औकात में रहे, तमीज से बात कर, नंबर के डिटेल्स चाहिए ना, दे फोन दे। कीजिए जल्दी कीजिए, आज रात तक हमें पता लग जाना चाहिए कि चकोर कहाँ छुप कर बैठी। बनारस भाभी जी, हमें बनारस जाना है अपनी बहन की बिटिया की शादी में, अब इस हालत में हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते? गिरजा, तुझे जहां जाना है तू जा, अब तो हमारे सूरज को सिर्फ भोलेनाथ ठीक कर सकते हैं या तो फिर चकोर, चकोर ही इसका दर्द है और चकोर ही इसका इलाज। बस एक बार पता चल जाए कि चकोर किस हालत में है और कहां। अरे भाभी जी कोनो चिंता मत करो, हम काशी विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि छोटे माले चकोर बिटिया को जरूर वापस मिल जाए। चकोर, चकोर हमें छोड़ के क्यों चली गई? दिव्या, बस एक बार हम तुम्हारी समस्या को सुलझा दें, फिर हम वापस आजादगंज चले जाएंगे अपने सूरज के पास। उपाध्याय जी, हम आपको धमकी नहीं दे रहे, बस आपको सच्चाई बता रहे कि दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है। हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज संजय और दिव्या की शादी करवा दीजिए, उसे रोकिए मत, और अब तक आपने जो कुछ भी पंडित जी से लिया है वो उन्हें वापस कर दीजिए। देखिए देवी जी, हम ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, हम ये भी नहीं जानते कि आपके राधेश्याम परिवार के साथ क्या संबंध है, हम ये भी नहीं जानते कि हम दो परिवारों के बीच में आप पंचायत क्यों लगा के बैठी हैं, मगर एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस इलाके में फैसला कानून नहीं बल्कि हमारी जबान करती है, और हमने एक बार कह दिया कि संजय की शादी दिव्या से तब तक नहीं हो सकती जब तक राधेश्याम इस हथेली पर 10 लाख रुपए नहीं रखता। आई बात समझ में? आप संजय है ना जी? तो आप हमें बताइए, क्या आप दिव्या से शादी करना चाहते हैं? नहीं, आप दिव्या को पसंद करते हैं, दिव्या आपको पसंद करती, अगर कल जाके
दिव्या की शादी किसी और से होगी तो आप जिंदगी भर के लिए दिव्या को खो बैठेंगे। देखिए, फैसला आपका है। क्या आप अपने पिताजी की शर्त मानना चाहते या अपने दिल की? ये जिंदगी आपकी है, खुशियां आपकी है, उनकी नहीं। अरे तू क्या पट्टी पढ़ा रही है हमारे बेटे को? जो कहना है हमसे कह, और हमारा बेटा वही शादी करेगा जहां हम उसे बोलेंगे। पर माँ, दिव्या तो आप सबको भी अच्छी लगती है। हम शादी करेंगे तो सिर्फ दिव्या से ही करेंगे। जबान चलाता है? जबान नहीं चलाता हूं। तो आपको जबान चलानी पड़ेगी। ये नई नस्ल जो इन पुरानी पीढ़ियों के गंदे रीति रिवाजों को रोक सकती है। दहेज के नाम पर जो सौदेबाजी हो रही उसे बंद करवा सकती है। हमें इस सौदेबाजी को खत्म करना होगा और उसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक बोल रही हो तुम। दहेज के नाम पर मुझसे मेरी खुशी छीनी जा रही, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दिव्या से ही। शंभू, उमाशंकर, कहाँ हो सब? जाओ उस लड़की को पकड़ो। पकड़ो उसको। सूरज, सूरज बचाओ हमें। सूरज, सूरज बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? चकोर किसी मुसीबत में है, हमें बुला रही है, हमें उसके पास जाना है। नहीं बेटा, तुमने जरूर कहीं बुरा सपना देखा होगा। चकोर जहाँ भी होगी ना बेटा, वो एकदम ठीक होगी। तुम्हें अभी आराम। नहीं नहीं, चकोर हमें बुला रही है, हमें उसके पास जाना होगा। चकोर हम आ रहे। हमने बताया ना, चकोर बुला रही है, जाना है वहां। सूरज रोकिए। संजय जी, बस किसी तरह हम जल्दी से काका के घर पहुंच जाएं। ऑटो रोकिए। संजय जी भागिए। देवता, अरे आग में लाग, पकड़ो उसको। बच्ची भी हमारे यहां से जानी नहीं चाहिए। हाँ भाई, नहीं जाएगी। सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन है रे तू? तुझे मालूम नहीं, हम लोग धीरज उपाध्याय के लोग हैं। और ये लड़का है ना, उनका बेटा है। और हाँ, फीस में मत पढ़ो, हाँ तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, समझा? बहुत पछताएगा तू। मालूम नहीं किसका आदमी हूं मैं। पुजारी जी, आप हमें गलत जगह पर लेकर आए। ये पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, हम पहले भी आ चुके हैं। संजय जी चले यहाँ, हम यहाँ पहले भी आ चुके, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर पुलिस की वर्दी में लोग बैठे रहते हैं कायरों की तरह।